बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वही बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वही राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, थाने, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। वही बात करें पुणे की तो पुणे में 24 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। यह 66 साल में तीसरा हाईएस्ट रहा। इससे पहले 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर और 27 जुलाई को 1967 को 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यहां आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह बाढ़ से करीब 1,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 955 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। वहीं मुख्य मार्गों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। बता दें मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये अच्छी बात भी है कि औसत से हमारी बारिश इस वर्ष और अच्छी चल रही है, खास करके आज जो वर्तमान में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के गुना, राजगढ़, देवास, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, सतना में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है और हम सब सावधानी रखेंगे। आमतौर पर बारिश के समय में सावधानी रखना ही चाहिए, खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में, वर्षा काल में पेड़ की शरण न लें। आमतौर पर पेड़ से बिजली को वो खींचता है और बिजली गिरने की संभावना रहती है। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में 50% के आसपास सिंचाई के डैम भरे हैं। बरगी का 53%, गांधी सागर 56%, इंदिरा सागर 23%, ओंकारेश्वर 44% और राजघाट 30% है। बरगी का जलस्तर 416 मीटर है, 28 जुलाई तक 418 हो जाएगा, अर्थात 28 तारीख के दिन इसके गेट खोलना पड़ेंगे। तो नीचे के तरफ के जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन को इस संबंध में अलर्ट भी कर दिया गया है कि हम आवश्यक सावधानी रहें और ये जो जब 2 दिन बाद गेट खुलेंगे तो नीचे के स्तर पे हमको अपनी अभी से सुरक्षा की चिंता करना चाहिए। वर्तमान में फसल के लिए तो बहुत अच्छी है, बरसात फसल के लिए लाभदायी है और कुल मिलाकर के जो अभी की स्थिति में सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसमें राहत कैंप भी चला रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर जाने कारण से उनकी राहत भी पहुंचा रहा है। रतलाम, श्योपुर में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी परंतु अभी रुकी हुई है, जैसे स्थिति सामान्य है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपने अपने स्तर पर चिंता पालेंगे। वैसे बारिश या असामान्य जनहानि की स्थिति में 4,00,000 प्रति व्यक्ति के दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति, पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त, ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। तो लेकिन ये अधिकतम स्थिति है। हमारे आंशिक रूप से मकानों की क्षति में 6,500 तक देते हैं। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपया प्रति हेक्टर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टर तक राहत की राशि देते हैं। परमात्मा करे ये राहत की राशि की जरूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट न हो। वर्षा वैसे भी भगवान की कृपा है। हम सब अपने अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करें, खुद की भी करें, पास वालों की भी करें और खास करके छोटों बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में वो बाढ़ के या बहते पानी के बहाव की तरफ ना जा पाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हम सबके लिए ये वर्षा काल आनंद से गुजारेंगे ये कामना करते हुए आप सबके प्रति धन्यवाद।